राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस विधायकों द्वारा क्रॉस वोटिंग के मुद्दे पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव से पहले ही कमलनाथ जी ने विधायकों के ईमान पर सवाल उठा दिया था और उन्हें बिकाऊ बता दिया था। इसके बाद विधायकों ने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी और क्रॉस वोटिंग की। इसके साथ ही उन्होंने कमलनाथ के इस्तीफे की मांग भी कर डाली। पहले विधायक गए कमलनाथ जी के तो सत्ता चली गई, फिर और विधायक गए तो साथ चली गई। अब जो विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है उससे नाक ही चली गई। दरअसल राष्ट्रपति चुनाव के पहले ही इनने विधायकों के ईमान पर सवाल उठा दिया था, उनको बिकाऊ बता दिया था, तो विधायकों ने फिर अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी और क्रॉस वोटिंग कर दी। पूरी जर्जर होती कांग्रेस में आखिरी कील थी ये कल। देश के अंदर दो प्रदेश ऐसे थे जिनमें इतनी बड़ी क्रॉस वोटिंग हुई है, उनमें से मध्य प्रदेश भी एक है। हमने तो पहले ही कमलनाथ जी को विधायकों ने अपील की थी कि जिंदगी भर मैंने इसी स्थान से दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी से क्या था कि जिंदगी भर जनजाति के लोगों के वोटों पर आपने छिंदवाड़ा से सांसद रहे हो, पहली बार आजादी के इतिहास में कोई जनजाति की महिला राष्ट्रपति बन रही है, वोट करो। मेरी नहीं मानी तो विधायकों ने उनकी नहीं मानी। हालात इस तरह की हो गई है कि सर्वाधिक हमारे उत्तर भारत में नंबर वन पे आ गया हमारा मध्य प्रदेश और कांग्रेस को क्रॉस वोट का सामना करना पड़ा। मैं तो मांग करता हूं कमलनाथ जी से कि चौथा हो गया पांचवा, अब तो कम से कम इस्तीफा दे दो। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।